Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to a new gameplay series. तो आज से हम लोग खेलने जा रहे हैं Arcade Paradise. अब आप में से जो लोग बहुत पहले से गेम्स खेलते आ रहे हैं, उन लोग को पता होगा कि आखिरकार arcades का कितना तगड़ा क्रेज हुआ करता था. मतलब अगर आजकल किसी को गेम खेलना है तो बस वो अपना फोन उठाएगा, पीसी उठाएगा, गेम को डाउनलोड करेगा और खेलना स्टार्ट कर देगा. बट पहले हमें अच्छी गेम्स खेलने के लिए प्रॉपर एर्केड शॉप्स पे जाना पड़ता था और वहां पर ऐसे कॉइन डाल के गेम खेलते थे और अगर बाय चांस हार गए तो आउट. मतलब यार वहां पे खेलना और हारना बहुत ही इज्जत वाला सवाल होता था. बाय द वे, आज की वाली वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इस गेम के अंदर हम लोग एक एर्केड शॉप चलाने वाले हैं. मतलब एक ऐसी शॉप जहाँ पे लोग गेम्स खेलने के लिए आने वाले हैं और हमें उनसे पैसा कमा के अमीर बनना है. बाय द वे, जब मैं भी एर्केड गेम्स खेला करता था शॉप में जाके, मेरा भी मन करता था काश इस टाइप की शॉप को मैं तो बंद करके अकेले खेलूं. बट नहीं नहीं, आज हम लोग सीरियसनेस दिखाएंगे थोड़ी. तो चलो यार फटाफट से चलते हैं गेम में. और हाँ, आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में जाके बताओ कि क्या आपने कभी एर्केड शॉप में गेम खेली है. और हाँ, नीचे जा रहे कमेंट्स करने तो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है ना, उसको भी दबा देना. स्पेशली वो लोग जो नए आए हैं चैनल पे, वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो यार. ऑलराइट गाइस, वेलकम टू एर्केड पैराडाइज. बाय द वे, जो सामने मैं शॉप देख पा रहा हूँ किंग वॉश, क्या यही अपनी एर्केड शॉप होने वाली है? वेट, इसका नाम कैसा सा है यार, किंग वॉश? फिलहाल एक बार जल्दी से हम लोग अंदर चल के देखते हैं. ये सचमुच में मुझे कोई गेमिंग शॉप नहीं, कोई कपड़े धोने की जगह लग रही है. मुझे कॉल आ रहा है. दिस इज योर फादर कॉलिंग. ओके, तो इस गेम में हमारे डैड का कॉल आया. ओके, तो ये जो किंग लॉन्ड्री है, ये शायद से हमारे डैड का बिजनेस हुआ करता था इस गेम में, जो कि देखने से ही पता चल रहा है कि अभी ठप पड़ा हुआ है. यहाँ पर कोई भी खास कस्टमर आया नहीं है और शायद अभी हमें इस बिजनेस को चलाना है. मतलब इस बिजनेस को नहीं, इसके अलावा हमें अपना बिजनेस करना है, यहाँ यहाँ पर एर्केड शॉप खोलनी है. ठीक है, अभी ओके ओके ठीक है. तो अभी अपने जो डैड है वो कह रहे हैं कि पहले यहाँ से थोड़ा बहुत काम कर लो, ये जो कपड़े हैं आए हुए हैं थोड़े बहुत, इसको उठाकर इसे धो दो. मतलब शायद एक दो कस्टमर से आते हैं तो ज़्यादा कमाई हो नहीं पाती है. बट हाँ, मैं इसको पहले ओपन करता हूँ, इन कपड़ों को डालते हैं इसके अंदर और अभी इनको धुलने के लिए मैंने रख दिया है. ओके ठीक है. तो हमारे जो डैड है वो कह रहे हैं कि यहाँ की साफ सफाई रखना ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो जितना भी गंदा है सारा रख देता हूँ. यहाँ पर एक बर्गर का बॉक्स है, इसको उठा लेता हूँ, ये हम ट्रैश में डाल देंगे. यहाँ पर भी थोड़ा सा कूड़ा पड़ा हुआ है और वैसे तो मुझे पूरी की पूरी जगह ही कूड़ा लग रही है. देख रहे हो भाई, फ्लोर कैसा सा हो चुका है. यहाँ पर एक एर्केड शॉप बनाएंगे, कोई आएगा भी नहीं मेरे हिसाब से. वैसे यहाँ गेम अच्छी होनी चाहिए, हर कोई आएगा. बाकी मेरे हिसाब से जितनी गंदगी थी वो मैंने हटा दी है और मुझे कहीं कर ओके. तो यहाँ पर भी भाई अमीर अमीर बंदे आ रहे थे वैसे तो कपड़े धुलवाने. कोई बर्गर खा रहा है, कोई महंगी महंगी कॉफी पी रहा है. फिलहाल अपना काम हो चुका है, शायद यहाँ से जो कपड़े हैं वो धुल गए हैं, मैं से कलेक्ट कर सकता हूँ इन यूज. टाइमर वाइमर नहीं होता क्या इसका? ओ नहीं, टाइमर है वो, देखो वहाँ पर दिखा रहा है 1 मिनट 30 सेकंड्स. तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ या फिर और कूड़ा इकट्ठा कर लेता हूँ अगर कहीं पर है तो. वैसे काफ़ी अच्छी खासी जगह, अगर हम लोग यहाँ पर अपनी एर्केड मशीन्स लाकर लगाएंगे ना तो बहुत सारी मशीन्स मैं यहाँ पर लगा पाऊंगा. फिलहाल कूड़ा आई थिंक कलेक्ट हो गया है. ओके, यहाँ पर भी है कूड़ा, इसे कलेक्ट कर लेता हूँ. ये रैंडमली कहीं पर भी स्पॉन हो रहा है क्या? डिस्पोज ऑफ ट्रैश किधर? ओके, तो मुझे यहाँ पर बाहर आना है और प्रेस ई नियर द डम्पस्टर टू डिस्पोज ऑफ द ट्रैश एंड गेट अ रिवॉर्ड. डम्पस्टर ये रहा, मुझे इसके पास आकर यहाँ पर इसे डिस्पोज करना है. ओह वेट, ये भी एक गेम जैसा ही है. तो इसको ये मैंने फेंक दिया, खत्म. और कूड़ा नहीं है मेरे पास, मैं कल आऊँगा थोड़े पैसे लेने. कूड़े फेंकने के पैसे मिल रहे हैं, नाइस. लेट्स गो. बाय द वे, जिस जगह पर हमारा ये एर्केड शॉप होने वाला है उस जगह पर यार बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, तो शायद से कम लोग गेम खेलने आएंगे. बट अच्छी बात यह है कि एक बस स्टैंड है, यानी जिसको भी आना होगा वो इजीली बस पकड़ के आ सकता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस अच्छी है. थोड़ा आगे तक घूम के आता हूँ, पूरा शहर घूम लेते हैं जब तक कपड़े वॉश हो जाएंगे. बाकी अब तक हो ही गए होंगे, बट मेरे को ना ऐसे ही देख कर आना है. ये जगह भी रेंट पर है, खरीद लेंगे भाई, इसको भी खरीद लेंगे. और मैं और आगे नहीं जा पा रहा, हमारा जो काम है वो करने आए, वो करते पहले. किंग वॉश, सबसे पहले तो मेरे को इसका नाम चेंज करना पड़ेगा. किंग प्लेस नहीं, नहीं ये तो किसी के चैनल का नाम लग रहा है. वेट ठीक है, अभी यहाँ पर कूड़ा हो चुका है, मैं इसको उठा के इसमें रखता हूँ वापस से सारा का सारा. डन, अभी क्या करना है इसको, मेरे को फिल ड्रायर. तो ये सारे ड्रायर ही है, मैं किसी के अंदर भी रख सकता हूँ. तो यहाँ पर इसे मैं डलवा देता हूँ जितना भी है. फटाफट से सारा फेंका मैंने अंदर और डन. अभी जितने कपड़े हमने यहाँ से धोए हैं वो ड्राई होने लग गए हैं. भाई ये ओके
ठीक है यार, एक तो पहली बात ना मुझे इस बिजनेस से हटाओ, मैं यहाँ पर एक एयरकिट शॉप चलाने आया हूँ, ना कि ये फालतू कपड़े पड़े धोने। फिक्सिंग ब्रोकन मशीन, कलेक्टिंग ट्रैश एंड अनक्लॉजिंग द टॉयलेट विल हेल्प मेंटेन योर बिजनेस रेपुटेशन। ओके, तो भी जो टॉयलेट है शायद उसकी पाइप में कुछ अटक गया है, हमें बाथरूम भी क्लीन करना है और जो एयरकिट मशीन है उसे भी साफ करना है। योर वॉच और पीडीए विल समटाइम्स अलर्ट यू टू जॉब्स दैट नीड अटेंडिंग टू। ओके, तो वॉच हमें काफी सारी चीजें बताती रहेगी, मेरे को उसे देख के सारा काम करना है। फिलहाल टास्क वन ये है फिक्स द टॉयलेट, तो मुझे भी एक टॉयलेट क्लीन करना पड़ेगा ताकि जो भी कस्टमर आ रहे हैं भाई हेलो, ये साउंड वगैरह वैसे ऐसे हम लोग गेम्स खेला करते थे ना पहले। ठीक है, तो एच पी आर एस की गंदगी की मैं इसे मार मार के उसके एच पी जीरो कर दूंगा और ये हमने किल कर दिया। एंड ड्रैगन टॉयलेट डिफेटेड, साफ हो गया भाई। ठीक है, वैसे क्लोजर ड्राई, ठीक है जैसे क्लोज सूख जाएंगे मैं इसे कलेक्ट कर लेता हूँ, टाइम वाइम हो चुका है। ठीक है, सारा उठा के रखते हैं भाई, जल्दी करो यार, मेरे को बिल्कुल बेचैनी हो रही है एयरकिट मशीन्स देखने के लिए। और अभी कपड़े धुल चुके हैं तो मैं उसको रख देता हूँ यहाँ पर। अब जो भी कस्टमर है जिसने धुलने के लिए रख के गया था वो उसे आके कलेक्ट कर लेगा। बाकी मुझे यहाँ से की मिल चुका है और यू फाउंड द बैकरूम की इन द पाइल ऑफ क्लॉथ्स, डन, थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। ये गाइस बैक रूम, आ चुकी हैं सारी की सारी एयरकिट मशीन्स। यार फोन काटो भैया, मेरे को नहीं बात करनी। ठीक है, तो भी जो अपने डैड है उन्होंने हमें पूरा का पूरा काम समझा दिया, हमें सब कुछ किस तरीके से करना है। समटाइम्स योर वॉच विल अलर्ट यू टू इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। ओके, गो टू द ऑफिस एंड टर्न ऑन द पीसी। भाई मैं ये ना देखूँ ना, ठीक है मैं नहीं देख रहा, ऑफिस में चल के ना पीसी ऑन कर देते हैं। इस पीसी में भी गेम ही चल रही है बाय द वे। अभी मेरे को इसके अंदर क्या करना है, एक सेकंड। लेस्ली, हे सुपर नर्ड, योर फर्स्ट डे एज मैनेजर, हैव यू हैड द पैट्रोनाइजिंग स्पीच फ्रॉम डैड येट? ठीक है, हमने इसे रिप्लाई करा है। और ये कर्सर देखो कैसा कूल सा कर्सर है ये। इट्स लाइक ही इज पनिशिंग मी, आई एम 19, आई कैन बेबी सिट आवर लॉन्ड्रोमैट, आई हैव गॉट हाफ अ डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है भाई, मतलब हमें ज़्यादा इस बिजनेस के बारे में पता वता है नहीं, बट धीरे धीरे सीखेंगे। हाफ अ डिग्री इक्वल्स नो डिग्री, his words. So now I think I've got zero ambition, but what can I do stuck here? ठीक है, मैं बिजनेस आता नहीं है यानी। एनीथिंग डिड यू प्ले गेम शॉप मे बी इवन, अरे यार तू लैसली है कौन, दिमाग मत चाट यार, गेम वेम खेलने थे पता नहीं क्या चैट में ही लग गए भाई हम तो। ओके, तो भी मेरी लैसली से पूरी बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि फटाफट से तुम एक काम करो, जितनी भी मशीन्स है ना एयरकिट मशीन्स, जाकर उसमें से कॉइन कलेक्ट कर लो। और वेट, पहले तो हम लोग इस कंप्यूटर से बाहर निकलते हैं और ये चले आ गए हम लोग एयरकिट मशीन्स पे। मुझे क्या करना है ना, बैठ के जितनी भी मशीन है ना, इस मशीन में मैंने बताया था ना लोग सिक्के डालते हैं, कॉइन डाल के गेम खेलते हैं, तो मुझे ना वो सारे के सारे कॉइन कलेक्ट करने हैं। ओह, $137, वेट, ये तो बहुत अच्छा खासा पैसा मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ पर भी बैठ कर मैं सिक्के निकालता हूँ, $250, भाई कितना सारा पैसा है इसके अंदर। इसमें कहाँ पर कलेक्ट होता है, इस तरफ आया तो था ऑप्शन, नाइस। टैप टू प्ले, नहीं अभी खेलनी नहीं है, खेल लू क्या, सिंगल प्लेयर या मल्टीप्लेयर? सिंगल प्लेयर, ये कैसे कैसे गेम है, वेट, ओह ये अच्छा, ये रही समझ गया मैं, इसे एयर हॉकी कहते हैं। और ये आई बॉल बॉल बॉल, अरे रुक जा, ये बड़े अजीब से कंट्रोल हो रहे हैं। ये ले, ओए 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 भाई कुछ दिख नहीं रहा, मेरा पहला टास्क कलेक्ट कैश, वेट मैं बाद में खेलूंगा, दो मिनट रुक जा, अभी पता लगा डैड का कॉल आ रहा है और तुरंत डांट पड़ना स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पहले पैसा वैसा कलेक्ट करते हैं। भाई तो ठीक है, ओके, तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, अभी हमने ना कॉइंस कलेक्ट करे हैं, ये शायद से ये भी पैसा ही है, बट लोग क्या करते हैं ना, ये टोकन मशीन है, इसके अंदर कैश भी डालते हैं और टोकन से लेते हैं, तो मुझे यहाँ से कैश कलेक्ट करना है। प्रेस टू कलेक्ट $18, यहाँ पर कुछ खास पैसा नहीं मिला, बट यप मशीन से बहुत सारा मुझे पैसा मिल गया है। अभी वापस चलते हैं, यहाँ पर ना एक ये वेंडिंग मशीन भी है, इसके अंदर शायद से मुझे ड्रिंक्स वगैरह फिल करवानी होगी टाइम टू टाइम। तो भी अपने डैड ने कहा है जितना भी पैसा मिला है ना इसे संभाल के सेफ में रख दो। ये सेफ कैसे ओपन होएगा, वेट, रोटेट करना है मुझे इसे, और क्या रोटेट ही करते जाना है या फिर कुछ पासवर्ड है, वेट, अच्छा प्रेस ई, नाइस, ओपन हुआ नहीं, अरे क्या पासवर्ड है इसका, मैं तुक्के भेड़ रहा हूँ। जूम हुआ, प्रेस ई, आई थिंक नहीं, अभी भी नहीं, लास्ट ट्राई, नहीं इस, ओ
मैंने पैसा रख दिया, खोला कैसे? ओनली मनी प्लेस इन द सेफ कैन बी स्पेंट। ओ डन, तो जितना भी पैसा मैं इसके अंदर ला के रखूंगा ना, मैं वही खर्च कर सकता हूँ। भाई ये कैसी बात हुई, जितना पैसा जेब में होता है हम लोग वो खर्च कर पाते हैं या फिर बैंक से निकाल निकाल के खर्चते हैं? बट ठीक है, अभी हमने काफी कुछ नया कर लिया है, मतलब कपड़े वपड़े धो लिए, गेम्स की शॉप खोल तो लिया, बट नजर भी नहीं आ रही भाई वो वहां जाकर बनी हुई है। बाय द वे अभी अपने पास ये एक एडवेंचर गेम है और अपने पास ये एयर हॉकी है और साथ में ये कौन सा गेम है यार, ओ सस्ता GTA, एक सेकेंड, ओ मस्त तो लग रहा है, गाड़ी वाड़ी है, लैम्बोर्गिनी खड़ी है, रेसर चेजर, ओह नाइस, नेम बहुत तगड़ा है। मैं एक बारी खेल के देखता हूँ ये गेम कैसा है, ताकि कस्टमर्स जो आएंगे पता तो चले उन्हें मजा आने वाला है या फिर नहीं। अरे भैंस के टंग चलेगा भी, ऐसी ट्रेलर है क्या है ये? एक सेकंड, कॉइन डालना पड़ेगा क्या? वेट, ये बारी बैठ के देखता हूँ। एम्प्टी होपर, ओ यहाँ से दबाकर अब मैं खेल सकता हूँ शायद। ओ भाई सचमुच में GTA जैसा ही है, क्योंकि टेक्स्ट भी वही वाले आए हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। आ जाओ, अरे पैसे कलेक्ट करने हैं मुझे, ऊपर गया। आ जाओ भाई, पुलिस कहाँ है? अरे कोई मेरे को चेज तो करे, मैं तो बस रेसर बना पड़ा हूँ अकेला। गेम का नाम रेसर चेजर है पर मेरे को कोई चेज ही नहीं कर रहा भाई। वे और भाई ये तो नॉर्मल गाड़ी, पुलिस, पिंक पुलिस, भैंस की टांग, मेरे को लगा नॉर्मल कार है, पकड़ लिया भाई। मेरे को ज्यादा गेम नहीं खेलनी वरना मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरे को इस गेम में ज्यादा फोकस करना है लोगों को गेम खिलवाने में और पैसा कमाने में। फिलहाल ये जगह बहुत गंदी है, मैं इसको पूरा साफ कर डालता हूँ ना, यहाँ पर जितना भी कूड़ा है सारा का सारा उठा लेते हैं यार, जगह क्लीन दिखनी चाहिए। ओके एक बार PC पे बैठ कर बात करते हैं हम लोग लैसली से। ओह माय गॉश, आई एम टी देम, ओके रिप्लाई, लेस्ली से ही बात होने वाली है ना अपनी अभी, लेस्ली एंड होली काउ, देयर वाज एन एब्सोल्यूट फॉर्च्यून इन द आर्किड कैबिनेट्स, ओह दोस थिंग्स आई बॉट देम इयर्स अगो फॉर द कस्टमर्स डैड। अच्छा ये लेस्ली हमारा बड़ा भाई है शायद, डैड लॉट हैड द आइडिया बट आई थॉट दे हैड अ सर्टेन अपील, व्हाट इफ आई बॉट मोर न्यूअर गेम्स बेटर मशीन्स। ओके तो शायद से जो लेस्ली है जो हमारा इस गेम में बड़ा भाई था उसने ट्राई करा था एक बढ़िया आर्केड शॉप चलाने का, बट हमारे जो डैड है इस गेम में उन्हें लगता नहीं था कि इस बिजनेस में ज्यादा कमाई है, इसलिए उन्होंने इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया। तो अभी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग नई नई गेम्स लेकर आए और अच्छी अच्छी मशीन्स लेकर आए तो शायद हम लोग अच्छा खासा आर्केड शॉप बना सकते हैं। ओके लेस्ली कह रहा है, आई ऑर्डर दोस थ्री ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब फ्रॉम आर्केड मेनिया, आई विल फाइंड यू द डिटेल्स, मे बी इफ यू अप्रोच डैड विद सम फिगर्स मेक अ केस, ही स्टिल ऑन्स द बिजनेस आफ्टर ऑल इवन इफ यू आर द वन एट them help। Okay तो अभी ये कह रहा है कि एक बारी डैड से बात करके देखते हैं शायद हम लोग इस पूरे लॉन मार्ट को ही कन्वर्ट कर डालें एक आर्केड शॉप में। तो उसने मुझे एक लिस्ट भेजी है जहाँ से हम लोग मशीन खरीद सकते हैं, आई थिंक ये यूज्ड मशीन है, मतलब सेकेंड हैंड मशीन है सारी, और जिसमें से दो बिक चुकी हैं। ओपन अप आर्केड मेनिया एंड बाय योर फर्स्ट आर्केड कैबिनेट, ये आर्केड मेनिया ही है बाय द वे यार, इस वाली वेबसाइट पे सारे के सारे बिक चुके हैं, दो ही पीस बचे हैं और उन दोनों में से मुझे ये स्ट्राइक गोल्ड पसंद आ रहा है, इसको देखते हैं कैसा है ये। इसकी पॉपुलैरिटी 140 है, मतलब ठीक ठाक है, परचेस कर लेते हैं यार इसको। मेरे पास $561 हैं और ये परचेस कर लूँगा तो मेरे पास $61 बचेंगे, बट एक बहुत अच्छी खासी मशीन हमारे शॉप में आ जाएगी। ठीक है मैंने परचेस कर लिया, वेल डन, योर न्यू मशीन विल बी डिलीवर टुमारो मॉर्निंग, डन, द बिजनेस इज ओपन फ्रॉम 8 AM अंटिल 11 PM एंड विल जनरेट प्रॉफिट व्हाइल यू आर ऑन द प्रीमिसेस। ओके यू कैन चेक द टाइम ऑन योर वॉच बाय होल्डिंग, ठीक है मैं अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, राइट, यू कैन कंटिन्यू वर्किंग, प्ले सम गेम्स और एंड द डे बाय हेडिंग टू द बस स्टॉप अपोजिट द किंग वॉश। ठीक है अभी बंद करो ये कंप्यूटर, बंद करो सबसे पहले, शोर मचा पड़ा भाई, सब गाने बजे जा रहे हैं। ओ हेलो, एक कस्टमर गेम खेलने आया था और शायद वो गेम खेल के चला गया, मेरे सबसे आते जाते दिखने नहीं वाले इस गेम में, वो भैंस के स्कैमर, अब क्या बिना कॉइन के खेल रहा था क्या, इसमें तो कोई कॉइन ही नहीं डला हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पर लोग बाग आते रहे, ओरे भाई यहाँ पर देखो लोग आ रहे हैं, ये भी टोकन लेने आई है, और अच्छा इसमें कस्टमर्स कुछ ऐसे दिखने वाले हैं क्या, मैं इनके पास जा रहा हूँ तो कुछ तो हो रहा है। ठीक है मैं गैप बना के रख रहा हूँ, मतलब आना जाना उनका कुछ इस टाइप का ही है। बाय द वे यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े देकर गए हैं, मैं इनके कपड़े धुलने के लिए डाल देता हूँ, ये मतलब चलता रहेगा, ये वैसा बिजनेस है कि साइड बाय साइड थोड़ी देर लगती है, कपड़े डाल दो अपना धुलते रहेंगे, पैसों की भी कमाई हो जाएगी अच्छी खासी। आखिरकार इतनी सारी मशीन है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बस उठा के डालना है, एक बार अच्छा खासा अगर हम लोग पैसा कमा लेंगे ना उसके बाद बहुत सारी मशीन लाकर इस पूरी की पूरी जगह पे बस एयरकेड मशीन भर देंगे और एक कपड़े पड़े वाला काम साइड कर देंगे। ये काफी बढ़िया मेरे हिसाब से आइडिया है। और वेट, अरे भैंस की इतनी मशीन नहीं है, कपड़े आए जा रहे हैं, मतलब 4 बकेट कपड़े आ चुके हैं अभी। ठीक है बंद रख दिया,
अभी और मत आओ यार प्लीज, मेरे को और काम करने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल। अरे कौन है भाई, दरवाजा कैसे बंद चालू हो रहा है? अच्छा ओ ऑटोमेटिक सेंसर है भाई, अपने आप ओपन और क्लोज हो रहा है। बाय द वे ठीक है, कलेक्ट मोर ट्रैश। मैं काफी सारा कूड़ा इकट्ठा करके लाया था, मेरे को लग रहा था यहाँ पर मैं फेंक सकता हूँ, बट मेरे को और इकट्ठा करना पड़ेगा। एक बार एयरकिट शॉप के अंदर चलकर देखते हैं। ओह एक सेकेंड, ये क्या है, कोई च्युइंगम लगाकर चला गया यहाँ पर और मुझे च्युइंगम निकल। अबे क्या है यार ये निकल ही नहीं रही, कौन बदतमीज है भाई ये। इसके टंग डंडा लेके रखना पड़ेगा एक। नाइस च्युइंगम मैंने निकाल दिया है, और मेरे को च्युइंगम फेंकनी है? नहीं 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 शायद फेंकने की जरूरत नहीं है। बाय द वे यहाँ पर कोई और भी आया हुआ है गेम खेलने, इसको गेम खेलने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, देखते हैं कि आखिरकार इससे हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं। एंड गाइस एकेट मशीन से अपनी फर्स्ट कमाई, ये देखो इसके अंदर से मुझे मिले $1, लेट्स गो। और इस वाली मशीन से इससे 0.61, नाइस। इसको खेलने देते हैं एक बार, उसके बाद इसमें भी चेक करेंगे कि आखिरकार कितने पैसे मेरे को मिलते हैं। अगर बड़े बड़े लोग गेम खेलने आ रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं है, बच्चे खेलते थे तो। और ये भाई सब जी कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं, ले लो भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया आई हुई है मार्केट में। फिलहाल अभी यहाँ पर जितनी भी मशीन है उनका टाइम चल ही रहा है, इसको 1 मिनट 20 सेकंड, उसको 1 मिनट, और इस वाली को भी 1 मिनट, सब में लगेगा। अभी यहाँ पर भी कोई च्युइंगम लगाकर चला गया, यार ये बहुत गलत चीज है, मत लगाओ यार प्लीज, ऐसे अच्छा नहीं लगता भाई सब। Let's go. वैसे अच्छी बात है यार, कोई बंदा अगर ऐसे च्युइंगम लगाता है तो हमारी कमाई होती है। ओ तेरी, इतने तो कस्टमर्स नहीं आ रहे जितनी टॉयलेट्स के लिए लाइन लग रही है। ये भाई सब जी कब से खड़े हुए हैं, कोई नहीं वेट करो, अभी तो टाइम और जाएगा। वैसे गाइस काम करते करते शाम हो चुकी है और थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी, एक बार टाइम चेक कर लेता हूं। ओके 6:30 बज चुके हैं और शायद से अब तक तो जितने भी कपड़े हैं वो धुल गए होंगे, देखो सब में एंड लिखकर आ गया है, यानी मुझे इसे उठाना है और सारा सामान कलेक्ट करना है। 8 बजे शॉप जो है मुझे बंद करनी होती है, तो 8 बजे से पहले मेरे को अपना काम भी फिनिश करना है। लेट्स गो, फटाफट से सारे कपड़े डाल देते हैं इधर ड्राई होने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, आज मैं सोच रहा था कि काफी सारी एरकेट मशीन में लोगों को बुलाएंगे, गेम खिलवाएंगे, बट यहाँ तो कुछ अलग ही काम चल रहा है। बाकी ठीक है यार, मजा आ रहा है इस काम में भी। यहाँ पर कपड़े डाल देता हूँ सूखने के लिए, कपड़े की दुकान चला रहे हैं यार हम लोग सच में। लेट्स गो, 2 बकेट हो चुके हैं यहाँ पर, 2 बकेट और आई है, उठा लिया मैंने और इसको उठाकर यहाँ पर रखा ड्राई होने के लिए। टोटल 3 बकेट्स मैंने यहाँ पर रख दिए, ये एक लास्ट बकेट बची है, बट वेट ये वाली बकेट लास्ट नहीं है। एक बारी जरा राइट साइड में देखो, 2 बकेट और आ गए हैं धुलने के लिए। चलो देखते हैं कि आखिरकार आज के दिन हम लोगों ने कितना पैसा कमाया। हमने स्टार्ट करा था ना $61, नहीं हमें स्टार्ट से नहीं काउंट करना है, हमें काउंट करना है वहां से जहां पर से हमने एयरकिट मशीन खरीदी, हमारे पास टोटल $61 थे, तो यानी जितना भी प्रॉफिट होगा मैं उसको पहले वाले से माइनस कर दूंगा। तो ये लास्ट वाली है, इसको भी रख देते हैं यहाँ पर डन, और इसको कर देते हैं बंद, और एक बार टाइम चेक करते हैं दोबारा से, 7 बज चुके हैं और ये जितना भी काम है ये 2-2 मिनट में सारा का सारा खत्म होने वाला है। अभी अभी मैंने ये 2 बकेट धुलने के लिए रखी है और यहाँ पर एक और आ गई, कौन रख कर गया ये, तेरे को ये कल मिलेंगे, अब नहीं कर रहा मैं फैंस की टांग। मैं सोच रहा हूँ कि 8 बजे हम लोग चलेंगे सोने, 8 बज गए भाई साहब, कब बंद करूंगा मैं इस जगह को। वैसे यार काफी सही बात है यार, 8 बजे भी अंधेरा नहीं हुआ, कौन सा देश है ये, हेलो इसमें भी टाइम लगने ही वाला है। ला यार तेरे भी मैं धुलवाई दू कपड़े, तू भी याद रखे। डाल ही देता हूँ इसके अंदर, कुछ ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला। चल भाई चलो बंद करो, रख देता हूँ यहाँ पे। एक बार अंदर होकर आते हैं, कोई गेम खेल रहा है, गेम खेलने लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। मैं इस मशीन को मूव नहीं कर सकता क्या, ये ऐसे रेंडमली कहीं पर भी बीच में पड़ी हुई अच्छी नहीं लग रही। फिलहाल एक बार चेक करता हूँ इसमें कितने पैसे आए, $3 आ चुके हैं और इसके अंदर $5 और इसके अंदर आ चुके हैं $9। लेट्स गो भाई साहब, अच्छे खासे कमाई हो रही है एयरकिट मशीन से बिना कोई काम करे। फिलहाल यहाँ पर ये ड्राई हो चुकी है, इस बकेट को उठाकर सारे कपड़े कलेक्ट करता हूँ। एक काम हमने डन कर दिया और ये लगातार चारों एक साथ ही होंगे। एक को बंद करा, इसको लाकर मैंने रख दिया यहाँ पर डन, और अभी मेरे को जाना है, ये दूसरी वाली एंड हो गई। लेट्स गो, इसको भी उठाकर सारे के सारे मैं भर लेता हूँ इसके अंदर, और इसको भी लाकर रख देते हैं यहाँ पर फटाफट से, ये भी डन, ये वाली भी कंप्लीट हो चुकी है, इसको भी लाके रख देते हैं यहाँ पर। लेट्स गो, मेरे को पता करना है कि आखिरकार ये जो कपड़े हैं इसको धोने पर मुझे पर बकेट कितना पैसा मिलता है, मेरे को इसका रेट नहीं। $5, सिर्फ $5, क्या बात कर रहे हो। एक तो मैं उठा के रखता हूँ इधर से उधर, फिर बटन दबाना, फिर टाइम देखना, फिर उसके बाद इन लोग का भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी होगा, बस मेरा बिल ना आए इलेक्ट्रिसिटी का तो और बढ़िया है। बाकी यहाँ पर 3 बकेट और लगी हुई है क्यों में, तो इसे भी होने देते हैं। टॉयलेट एक बार चेक कर लेते हैं, साफ है टॉयलेट, इज क्लीन, ओके ठीक है साफ है। मिरर लगा है क्या, मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें ये थोड़ा ब्लर हो रखा है। वॉश कंप्लीट हुआ कहीं तो। अपनी क्लॉक मस्त है यार, कनेक्ट है इससे, सीधा काम होती है, हमें अलर्ट कर देती है। ये लास्ट 3 बकेट और है, अभी हमें और काम नहीं आने वाला क्योंकि 8 बजे के बाद शायद यहाँ पर कस्टमर्स आते ही नहीं है। तो ये जिनका भी एक्स्ट्रा काम मैंने लिया था इसे कंप्लीट करके उनकी बकेट में यहीं पर रखवा दूंगा, बाकी काम कल कर लेंगे। फिलहाल किसी ने कोई गंदगी तो नहीं रखी ना इधर,
यार ये सुधरेंगे नहीं, च्युइंगम लगा कर गया कोई यहाँ पे। वेट, इसको भी खींच खींच के निकालना होगा। ये बहुत गंदा टास्क दिया यार, हाथ से निकालना जरूरी है? मतलब इतने सारे ऑप्शन होंगे यार इसको निकालने के भी। चलो लास्ट है, अब ये निकल जाएगी। ओ भाई 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 भाई, $50 च्युइंगम निकालने का ज्यादा पैसा मिलता है मेरे को, ऐसा क्यों यार? चलो ये वाली बकेट भी हो गई है मेरे को, ये तो अच्छी बात है। हमारे लोग इधर उधर च्युइंगम चिपका के जाए, मतलब अच्छी खासी कमाई होती है वो करने से। डन, तो दो बकेट यहाँ पर मैंने ड्राई होने के लिए लगा दिए। ये एक बची थी, इसका भी वॉश कम्प्लीट हो चुका है, इसको ड्राई होने के लिए रखते हैं। और आज हमने काफी सारे कपड़े धो डाले हैं, पता नहीं कितनी सारी बकेट्स हो गई होगी यार। आई थिंक 7 से 8 या 10 भी हो सकती है, मुझे कोई आइडिया नहीं, आप लोग बताना कमेंट्स में। मैंने गिनी नहीं यार सच में। किसी ने च्युइंगम लगाई है प्लीज यार, इधर उधर चिपका दिया करो। इधर नहीं, आई थिंक इधर नहीं लगाइए। कभी कभार क्या करते हैं, डस्टबिन पे लगाते हैं, बड़ा डस्टबिन पे भी नहीं है। और अंदर अभी फिलहाल गेम्स वगैरह चल रहे हैं, चलने देते हैं। इसमें आए क्या कस्टमर? ओ, $2 और आ गए। अरकेड मशीन का बिजनेस मस्त है यार, बैठे बिठाए कमा सकते हैं इसके थ्रू हम। सबसे ज्यादा पैसा मुझे ना इस वाली गेम से आ रहा है। ये कौन सी है? वुड गैल्स एडवेंचर। भाई नाइस, $3-5 बिजनेस क्लोजिंग। ओके, हाँ बंद होने वाला है, मुझे पता है 9 बज चुके हैं, बट ये काम चल रहा है ना, ये खत्म करके हम लोग चलेंगे। यू कैन कैच दी बस आउटसाइड टू गो होम। ठीक है, तो मैं बाहर जाके बस पकड़ सकता हूँ, सामने बस स्टैंड है। बट हाँ, मैं काम कंप्लीट करके जाना चाह रहा हूँ। 3-3, 4-4 सेकंड। ओ, इसका तो पूरा 2 मिनट बचा है अभी। चलो कोई नहीं, होने देते हैं। गेमिंग के लिए कस्टमर आ रहे हैं? नहीं अभी शायद से। इसका टाइम 9 बजे का है और लॉन मार्ट का टाइम 8 बजे का है आई थिंक। और गाइस प्राइसिंग देखो यहाँ पर लिखी हुई है। वॉशर प्राइस है सिंगल्स के लिए $2.50, ट्रिपल्स के लिए $4.50। और ड्राई कंप्लीट हो गया किसी का? ये रहा, ठीक है लाओ भाई लाओ। उठा उठा के रखा जाए इसको इसके अंदर। परफेक्ट, बंद करो, ये कंप्लीट हो गया भाई। देखो जिसका भी है कल आके ले जाना, मैं इसे यहाँ पर रख दे रहा हूँ। और 20 ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मेरे को लग रहा है इसके में। अच्छा टाइम से करने का भी सीन होगा ना, कोई कोई मैं देर से कर रहा हूँ, कोई कोई तुरंत उठा के रख देता हूँ, तो शायद इसलिए हो रहा हो। क्योंकि उस टाइम जब मैंने कपड़े धोए थे तो मेरे को बस $5 मिले, इसलिए मुझे इस वाले बिजनेस में बिल्कुल प्रॉफिट नहीं लग रहा था। बट अगर अभी $20 मिलने हैं तो ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। 10-12 सेकंड में ये दोनों भी होने वाले हैं। जब तक मैं काम करता हूँ, टोकन मशीन चेक कर लेता हूँ, यहाँ से लोग खरीद रहे हैं। ओ, $2.70 मुझे यहाँ पर भी मिल रहे हैं। लेट्स गो। ओके, डन 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 डन। तो यहाँ पर कपड़े धुल चुके हैं, इसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ सारे के सारे। जल्दी आ जाओ भाई, लेट्स गो। बंद करा और इसको मैं रखवा देता हूँ यहाँ पे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, धुले हुए कपड़े, सूखे हुए कपड़े मेरे को रखवाने होते हैं यहाँ पर। और इसके मुझे मिले $10। ये भी एंड हो चुका है, फटाफट से इसको भी कलेक्ट करते हैं। ये अपनी लास्ट बकेट थी, सारा काम कंप्लीट कर दिया भाई। बंद करो, आज हमने भाई $200 कमा लिए एक ही दिन में। $500 की मशीन आ जाओ। इस बार मेरे को 30 मिले, नाइस। $500 की एक मशीन आ जाती है, शायद से हम लोग एक दो दिन काम करके एक्स्ट्रा मशीनें ले पाएंगे। यहाँ से भी पैसा इकट्ठा करता हूँ, चलते हैं। $1-2 मिला है, इससे तो कलेक्ट कर ही लिया था। ठीक है, अभी अपना सारा काम हो चुका है, फटाफट से गाइस हम। वैसे हाँ यार, जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक बारी ये वाला गेम खेल लिया जाए। ये कैसा गेम है? इंसर्ट कॉइन। अरे मेरी दुकान है, हाँ हो गया होगा। हम लोग कोई भी गेम खेल सकते हैं। ओ, गेम तो 2D है बट चल रहा है TPP में, तो अच्छी सी एक फील आ रही है। हेलो भाई साहब। हे वुड गर्ल। ओके, वुड गर्ल या फिर वुड गाय। आयर यू आर टू, ये कैसे कैसे गेम इतनी ज़्यादा चल रही है हमारी दुकान पे? छी, अरे बस बस भाई, चैटिंग ज़्यादा हो रही है। ये गेम सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है लोगों को। छी, अब ये तो ये थोड़ी सी सस्ती कैंडी क्रश है, मेरे को समझ भी नहीं आ रही। वेट, अगर मैं इसको यहाँ से, ओ समझा 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 समझा, ये सच में सस्ती वाली कैंडी क्रश है। जितने ऐसे ग्रीन वाला है इसको से मिला दूंगा, फूट जाएगा। चल भाई चल चल चल, खेल ले। बंद करो बंद करो बंद करो, बिजली नहीं फूकनी। हो गया, मैं अगर खुद कॉइन डालूंगा तो खुद कमाऊंगा। वेट, खुद ही कॉइन डालो, खुद ही निकाल लो भाई। बाय द वे, यहाँ जितना भी पैसा था वो मुझे जाने से पहले सारा का सारा सेफ में रखवाना है। और अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता घर जाने के अलावा, आई थिंक मुझे निकलना चाहिए फिर अभी। ठीक है भाई, बाय बाय। कितने बज गए? रात के 9-10 बज चुके हैं और अभी बस आने वाले ना। प्रेस यू टू लीव, लेट्स गो। बस आ चुकी है और काफ़ी प्यारी बस है और काफ़ी जल्दी भी आई है, और ये हमें लेकर चली गई। हमारा घर भी दिखने वाला है या फिर नेक्स्ट डे सीधा, तो ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आज ही आ चुका है। एयरकेड इनकम हमारी $24 हुई है और लॉन्ड्रोमैट इनकम हमारी हुई है $117 एंड मेंटेनेंस इनकम हुई है $130।
ठीक है, अच्छे खासे पैसे हमने कमा लिए। बाय द वे गाइस, लास्ट डे जो हमने एयरकेट मशीन ऑर्डर करी थी आज वो डिलीवर होनी है, और ये देखो कितने कूल तरीके से डिलीवर करके गया है। मशीन आ चुकी है, मेरे को चूज करना है कि इसे रखवाऊं कहां। मेरे पास एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, मेरे सबसे इसे सामने रखवाना चाहिए, ये थोड़ा सा एम्प्टी एरिया है, तो यहां पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं और मशीन को प्रॉपर ब्लू मैप के अकॉर्डिंग यहां पर रखवा सकते हैं। यू कैन ओपन द मैप एनी टाइम्स एंड मूव कैबिनेट्स अराउंड बाय टैपिंग। ठीक है, मैं समझ गया, मैं जो भी कैबिनेट्स वगैरह है वो इसके थ्रू मूव कर पाऊंगा। प्लेस योर न्यू मशीन इन एन एम्प्टी स्लॉट यूजिंग ई। ठीक है, ये वाला एम्प्टी स्लॉट है, यहां पर मैंने मशीन रखवा दी और हम लोग आ चुके हैं किंग आर्केड पैराडाइज में। अंदर चल के देखते हैं, कपड़े वगैरह धुलने के लिए आए हुए हैं, इसको रख देता हूं पहले, 2 मिनट लगेगा। नेक्स्ट डे है भाई, आज अच्छे से सारा काम करना है, लास्ट डे की तरह नहीं। इसको रखवा दिया, अब चलते हैं हम लोग अंदर। और ये है गाइस वो नई मशीन स्ट्राइक गोल्ड, आप लोग को याद होगा, एक बार इसमें मैं गेम खेल के देखता हूँ आखिरकार कैसी गेम होने वाली है। ये थोड़ी बहुत मारियो की तरह होने वाली है शायद, शायद से नहीं। अबे क्या है ये भाई, रिटर्न क्या है, कुछ वो लग नहीं रहा। ओ नहीं नहीं, रुको रुको, ओ ये तो माइनक्राफ्ट है, अरे ये तो माइनक्राफ्ट है सस्ती, माइनक्राफ्ट का 2D वर्जन है। तो कुछ ऐसे हम ब्लॉक तोड़ के माइनिंग करते हैं ना ऐसे नीचे जाने के लिए, कुछ ऐसे हमें इसमें भी नीचे जाना है। नीचे देखो बेडरॉक आ गया, ये रहा ये बेडरॉक का क्या है कि गोल्ड है, ये देखो टूट नहीं रहा, नहीं मजबूत है। ओ भाई मस्त है ये, सस्ता माइनक्राफ्ट कह सकते हो आप लोग हमें। ओ ओ ओ वेट भाई, है तो मजेदार, ऐसी बात नहीं है, ऐसे तोड़ तोड़ के नीचे जाकर पता नहीं क्या मिलने वाला है, बट हाँ गेम हम खरीद के लाए तो अच्छी मान लो आप लोग हमारी। ओ, 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 वेट, वेट, वेट। और इधर डस्टबिन पे तो भैया भर भर के कूड़ा लोग रख रख के जा रहे हैं, और नहीं आज तो कुछ ज्यादा ही कूड़ा मेरे को मिल रहा है, बैग ही फुल हो गया कि मैं कूड़ा उठा ही नहीं पा रहा हूँ भाई। वेट, पहले ये कूड़ा फेंक कर आते हैं ना यहाँ पे, रसीड टू थ्रो, वेट गिल्ले, एक सेकंड मेरे को प्रॉपर टाइम पे दबाऊंगा इस बार, ले भाई परफेक्ट। कितने पैसे मिले, पैसे से मतलब भाई $30, नाइस। पैसा कमाना काफी इजी है इस गेम में, किसी भी चीज से हम लोग पैसा कमा पा रहे हैं। बाकी यहाँ अंदर और भी काफी सारा कूड़ा आज आया है, ताजा ताजा कूड़ा आया ना, लाओ 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 लाओ, सारा का सारा कूड़ा कलेक्ट कर लेता हूँ। भाई 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 वेट, हद से ज्यादा आ रहा है भाई, देख दो। अरे यार एक बैग और फुल हो गया कूड़े का, इसको भी फेंक कर आता हूँ, फिर दोबारा चलना है मुझे कूड़ा लेने के लिए। डन, ये वाला भी बैग हमने फेंक दिया और इस बारी मेरे को मिले $30 दोबारा से। इधर भी कूड़ा, इधर भी कूड़ा, ये बंदा भी कूड़ा, इसको भी डाल देते हैं बैग में। बट वेट, यहाँ पर च्युइंगम लगाया किसी ने, और च्युइंगम निकालने का तो आपको पता ही है। ठीक है वेट, ये खींचा और ये खींचा, मैं फुल इस टाइम पर उस टाइम पे क्लिक कर रहा हूँ जब सबसे ज्यादा पावर से हम लोग खींचेंगे। नाइस, हमने निकाल दिया $50, लेट्स गो। वॉश हो चुका है, एक और आ गया वॉश होने के लिए, इसको रखवा देता हूँ मैं यहाँ पे। भाई ये काम बहुत बोरिंग होता जा रहा है, मैं जितनी बारी से कर रहा हूँ, मतलब मैं तो चाह रहा हूँ ये बंद हो जाए, बस एयरकेट मशीन पे ही हमें ज्यादा काम करना है। बाकी यहाँ ये धुल चुका है तो इसे कलेक्ट कर लेता हूँ और ड्राई होने के लिए रखते हैं फटाफट से। तो मशीन करी बंद और इस बारी ऊपर लगाता हूँ, मुझे नीचे नहीं बैठना, परफेक्ट। तो सारा काम एकदम लग चुका है और बाकी जो कूड़ा है भी इसे बाद में। अरे यार बहुत सारा है, एक बारी मैं अंदर चल के देखता हूँ कि यहाँ पर, ओ यहाँ पर भी लोग हैं। अरे यार ये लोग कहाँ च्युइंगम लगा के जा रहे हैं, ढूंढनी पड़ रही है पैसा कमाने के लिए मुझे। एक सेकेंड, ये खींची, वेट 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 वेट, दोबारा से, ओ दो बार में ही बट पैसा कम मिला यार, अच्छे से चिपकाओ भाई, टाइट करके चिपकाओ, ज्यादा कमाई होती है। फिलहाल ये जो कपड़े हैं ये सब तो धुलते ही रहेंगे, मैं एक काम करता हूँ फटाफट से ना चल के रेट पता करता हूँ कि आखिरकार नई एयरकिट मशीन अगर मुझे लेनी हो तो वो मुझे कितने की मिलने वाली है। तो ये एयरकिट मीनिया जहाँ पर मुझे जाना है नई एयरकिट मशीन परचेस करने के लिए, बट मैं इसे ओपन कैसे करूंगा। नाइस, ओपन हो गया और यहाँ पर अभी ज्यादा मशीन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक यही वो मशीन पड़ी है जो मैंने नहीं खरीदी थी। $500 की है, ये परचेस कर लेंगे फिलहाल के लिए, अभी इसे बंद करो, मेरा अभी कुछ ऐसा खास प्लान नहीं है नई मशीन लेने का। मेरे पास जितना पैसा था ना वो सारा का सारा इसके अंदर रखवाता हूँ, मेरे पास $344 है। तो फर्स्ट पासवर्ड ये है, इसे डाल के देखते हैं क्या पता। यार ये ऐसा क्या है, मैं इसमें कुछ तो मिस कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं इसे एक बार में नहीं ओपन कर पाता, दोबारा से ट्राई करते हैं शायद इस बारी। ये क्या है, 3 बार में ओपन होता है क्या, ये बस चीज ही नहीं समझ आ रही इसकी। डन, इस बार हो जाएगा देखना ओपन, ये गलत डाला 3 बार, नो कैश टू डिपॉजिट। अच्छा ठीक है, जितना था वो सारा चला गया, अब हमारे पास कोई कैश नहीं है। बाय द वे जो नई वाली गेम आई थी वो लोग बाग खेल रहे हैं, थोड़ी देर और वेट करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कि आखिरकार मैं उससे कितना पैसा कमा पाता हूँ इतनी सी देर में। जब तक जो कपड़े आए थे उसे भी रखवा देता हूँ। यार ये कपड़े वाला बिजनेस हटाओ भैया, ये नहीं करना, मैं बोर हो गया उससे। चल भाई चल चल चल, हो गया बहुत हो गया, ये एंड हो चुका है, इसको उठ निकालता हूँ, निकल गए सारे के सारे, और इसे मैं रख देता हूँ ड्राई होने के लिए यहाँ पर। और जो ऊपर ड्राई हो रहे थे वो ड्राई हो चुके हैं, वो बंदे को पकड़ा देते हैं और पैसा कमा लेते हैं उससे। हो गया ना कि हो चुका है वो,
निकालो निकालो निकालो, थोड़ा कम सुखा के देते चलेगा, थोड़ा कम कमा लेंगे लेकिन कस्टमर को जल्दी फ्री कर देंगे। बाकी ठीक है, हो चुका है रख भाई, $30 नाइस। एक बार अंदर चल के देखता हूँ कि आखिरकार क्या सीन चल रहा है, लोग गेम्स वगैरह खेलने आ रहे हो, नई वाली गेम अच्छी खासी चल रही है यार। ये देखो यहाँ पर एक और लड़की आई हुई है खेलने के लिए, बाय द वे इसमें से पता करता हूँ, $5 मिले हैं आज हमें और इसके अंदर से $3। और भाई साहब जल्दी खेल लो, इसको खेलने देते हैं पहले, उसके बाद इसमें से भी चल के पैसे कलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर टोकन वाले में पता करता हूँ, $3 के टोकन है। और वेट यहाँ पर एक सेकेंड, रुक जाओ, ये दबाया, दोबारा से ये दबाया और दो बार में ही मैंने इसे बाहर कर दिया। ठीक है भाई, अभी सारे काम धीरे धीरे फास्ट होते जा रहे हैं, अंदर चलते हैं फटाफट से, ये अभी भी गेम खेल रहा है। चलो तो ये वाली मशीन अभी खाली हो चुकी है फटाफट से। ओ $7.76 नाइस, इतना तो अभी तक हमने किसी मशीन से नहीं कमाया। ठीक है, तो भी हमारी अच्छी खासी कमाई होने लग गई है। थोड़ी देर पहले मैंने $300 रखवाए थे अपने सेफ में, और अभी 79 दोबारा इकट्ठे हो चुके हैं थोड़ी देर में, और 3-4 कपड़े भी और धुल रहे हैं, उनसे भी काफी अच्छा खासा पैसा आने वाला है। तो चलो गाइस, आज की सारी वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये एरकेड पैराडाइज का गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को जाके लाइक करना, इस वीडियो पर एम करते हैं 450,000 लाइक के लिए, तो जाओ लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और अभी फिलहाल अपना एरकेड का बिजनेस काफी छोटा सा है, बट जैसे जैसे हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे वैसे वैसे बिजनेस बड़ा होता जाएगा, और हम लोग इस लॉन्ड्री शॉप को कन्वर्ट कर देंगे एरकेड पैराडाइज में। बट हाँ, उसमें थोड़ा बहुत ग्राइंड एंड थोड़ा बहुत टाइम जाने वाला है। तो अभी फिलहाल के लिए आज के साल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ यार, आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, नीचे बटन आ रहा है उसे जल्दी से जाके दबा दो। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।